भारत और आयरलैंड के बीच में 26 जून से दो मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी। सीरीज की बात करें तो सीरीज के मुकाबले 26 और 28 जून को डबलिन में खेले जाएंगे। भारतीय टीम की बात करें तो हार्दिक पांड्या की कप्तानी में पहली बार टीम इंडिया टी20 सीरीज खेलेगी। साथ ही टीम के कोच की बात करें तो NCA के प्रमुख VVS लक्ष्मण को टीम का हेड कोच बनाया हुआ है। दरअसल टीम के नियमित कप्तान रोहित शर्मा और हेड कोच राहुल द्रविड़ प्रमुख टीम के साथ इंग्लैंड दौरे पर हैं। वहां टीम टेस्ट मैच के बाद लिमिटेड ओवर की सीरीज खेलेगी। इस वजह से आयरलैंड सीरीज के लिए टीम इंडिया का कप्तान हार्दिक पांड्या को बनाया गया है। बात करें अगर मुकाबले की तो रविवार को मुकाबला खेला जाएगा, लेकिन इससे पहले शनिवार शाम को VVS लक्ष्मण और कप्तान हार्दिक पांड्या ने टीम को गुरु मंत्र दिया। आपको बता दें कि इसकी जानकारी खुद BCCI ने दी। BCCI ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर तस्वीरें शेयर की और लिखा कि आयरलैंड के खिलाफ पहले मैच से कप्तान हार्दिक पांड्या और कोच VVS लक्ष्मण ने अपनी टीम के साथ चर्चा की और संदेश दिया। आपको बता दें कि VVS लक्ष्मण ने टीम को गुरु मंत्र दिया और टीम इंडिया पूरी तरीके से अब जीत के लिए तैयार है। बता दें कि टीम इंडिया और आयरलैंड के बीच में अब तक 3 T20 मुकाबले खेले गए हैं। साल 2009 में पहली बार दोनों टीमें आमने सामने थी। इसके बाद साल 2018 में टीम इंडिया ने आयरलैंड के साथ दो मैचों की सीरीज खेली, जहां टीम ने क्लीन स्वीप किया। इसके अलावा 2009 में भी मुकाबला जीता। तो ऐसे में टीम का आयरलैंड के खिलाफ जीत का प्रतिशत 100% है। तो ऐसे में टीम चाहेगी कि जीत की लय को बरकरार रखा जा सके। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वन इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।